नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया हनुमिया। आइए नजर डालते हैं सुपर सेवन खबरों पर। निर्भया केस में तारीख के बाद भी टली दोषियों की फांसी, क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका के लिए समय सीमा नहीं, इसीलिए हो रही है देरी। दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, वहीं दो दोषियों के पास अभी भी विकल्प बाकी है। इसका पहला मिशन भारत के सबसे ताकतवर संचार उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण हुआ सफल। अब जहां नेटवर्क नहीं वहां भी मिलेगा सिग्नल, यह संचार सैटेलाइट 15 साल तक काम करेगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS बिपिन रावत का बयान, कहा जम्मू और कश्मीर में मासूम बच्चों को बना दिया जाता है कट्टर, उकसाने वालों को दूर करने की जरूरत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियां जोरों शोरों पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस, नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटी लतिका बन सकती है उम्मीदवार। देशभर में कई सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी जलीस अंसारी हुआ लापता। जलीस पैरोल पर अपने परिवार वालों से मिलने के लिए गया था मुंबई, पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले हुआ लापता। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले दो दिनों से बारिश का दौर जारी, आज भी बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर में 11 मिलीमीटर, दतिया में 34 मिलीमीटर, गुना में 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण का ट्रेड डील के बाद भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखी गई। सेंसेक्स पहली बार 42,000 के पार गया, वहीं निफ्टी ने भी नई ऊंचाई को छुआ। सुपर सेवन खबरों में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए JSR टाइम्स।